अरे उद्धव की बहनिया कैसी तैसी जोगीदा जोगीदा। मीरा भाईंदर में जलधारा संस्था ने मनाई फूलों की होली, लोकगीतों के साथ किया आगाज। इस अनोखी होली में शामिल हुए शहर के जाने माने नेतागण और शहर की हजारों आम जनता। आपको बता दे, मीरा रोड में जलधारा संस्था कई सालों से आम जनता के लिए सामाजिक कार्य करती आ रही है। समाज सेवा के साथ साथ जलधारा संस्था साल में आने वाली कई त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से आयोजित करती आ रही है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए संस्था ने फूलों की होली का आयोजन किया, जिसमें परिसर के रहवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपको दिखाते हैं आए हुए लोग ने किस तरह होली के लोकगीत के साथ फूलों की होली का आनंद लिया। आपको दिखाते हैं हमसे बात करते हुए कार्यक्रम में आए हुए नेतागण और आयोजक भरत मिश्रा ने क्या कहा। बहुत अच्छा लगा, अपनी पहचान अपनी संस्कृति जलधारा, ये कलर को कैसे भी कितना भी कलर मिला, हिंदुस्तान की उस संस्कृति हिंदुस्तान की उस परंपरा को। दो बरस कोरोना काल में लोग नहीं खेल पाए, अंदर ही अंदर घुट गए, कई लोग तो रहे भी नहीं होली खेलने के लिए। आज मैं जलधारा के आयोजकों को खास करके भरत मिश्रा के साथियों को साधुवाद देता हूँ। आज हमारी जलधारा सेवा संस्था के माध्यम से आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमारे भाई अखिलेश चौबे जी जो कि हमारे भाजपा के प्रदेश के सचिव है, कई गणमान्य लोगों ने आज इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपने आप के अंदर बड़ा ही सुंदर वातावरण है। सभी लोग झूम रहे हैं आनंद में, होली के इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं और अपने आप के अंदर जिस तरीके से अवध में होली होती है या मथुरा के अंदर होली होती है, राधा गिरधारी और पूरे जो अयोध्या वासी होली खेलते हैं, वैसा एक यहाँ पे माहौल देखने को मिला। जलधारा के सभी हमारे सदस्यों ने हम लोगों को गमछा देकर अपनी संस्कृति को जताते हुए हम सबका स्वागत किया। मैं इस संस्था के समस्त पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मीरा भाईंदर के शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि इस बार दिल खोल कर होली खेले और जो रंग है वो सभी जो गुलाल हो ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करे और जितना हो सके पानी की बचत भी करे। देखिए, भरत मिश्रा जी के नेतृत्व में जलधारा के माध्यम से तमाम लोगों के इस बस्ती के तमाम लोगों का जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भरत मिश्रा जी करते आए हैं। आज होली का जो प्रोग्राम किया गया, जो त्यौहार किया गया है, यहाँ की उपस्थिति सराहनीय है। वो देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने संस्कृति के प्रति, अपनी धारणाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं। देखिए, जलधारा की अपनी एक काफ़ी लंबे समय से परंपरा रही है। 2010 में जलधारा की जब स्थापना की गई थी तो जलधारा के उद्देश्यों में ये शामिल था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में सौहार्द बनाए रखना और हर तरह के कार्यक्रमों को करना। तो जो हमारे सनातन कार्यक्रम है, चाहे होली हो या दिवाली हो, जो भी उसको जलमित्र जो हमारे हैं वो बहुत ही उत्साह से करते हैं। आज आपने देखा होगा कि ये जो जलधारा की होली है ये बहुत पुरानी, पीछे कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम रुका था, लेकिन मेरे को लगता है कि आपकी जलमित्रों ने जो मेहनत की है और जिस तरह की मेहनत की है उससे उन्होंने 2 साल की पूरी कसर निकाल दी है। तो देखिए, जलधारा का एक अपना एक उद्देश्य है कि नल में जल होना चाहिए और उस जल के बूंद बूंद के समर्पण का, बूंद बूंद के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि एक ही त्यौहार जब आता है तो आप क्यों ज्ञान बांटने लगते हो कि होली नहीं खेलना, ये नहीं खेलना, वो नहीं खेलना। हम ये नहीं कहते, हम आपसे केवल इतना कहते हैं कि ये पानी जो है ना, ये एक एक बूंद बहुमूल्य है। आप अपना त्यौहार भी मनाइए लेकिन जल बचत की जो चीज़ें हैं उनको आप अपने दिमाग में रखिए। आप जैसे भी मनाते हैं होली की, हमने फूलों की होली खेली है, अबीर की होली है, रंग भी चलते हैं, लेकिन एक ही शहरवासियों से है कि प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारा के साथ, जल के संरक्षण के साथ, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो बूंद बूंद को समर्पित है। हमारा नारा ही है कि हम बूंद बूंद के लिए समर्पित हैं। तो हम निश्चित तौर पर लोगों से कहेंगे कि त्यौहार मनाइए, अच्छे से मनाइए, खुशियों से मनाइए, लेकिन जल का जो बचत है, जल का दुरुपयोग मत करिए। दुरुपयोग का मतलब फिर वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप अपने त्यौहार को मना सकते हैं। आप सबसे यही अपनी उम्मीद है।